हरिः ओम। प्रथमः स्कन्दः दशमोऽध्यायः नवमः श्लोकः। सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुः गौतमो यमौ युयुत्सुः गौतमो यमौ युयुत्सुः गौतमो यमौ। तथा तु अस्य श्लोकस्य तु अत्र पूर्ति ही जाता नवमः श्लोकः। तस्य नवमस्य श्लोकस्य नवम श्लोकस्य किन्तु अनुसंधानं दशमे श्लोके। अतः दशमः श्लोकः अस्माभिः उच्चारणीयः ज्ञेयः। द्रुकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शाङ्गधन्वनः। एषः कृष्णः द्वारकां गन्तुं रथम् आरुरोह। तदानीं समये किं जातं? तर्हि सुभद्रा, तदनन्तरं द्रौपदी, तदनु कुन्ती, तदनु तत्र कथितं विराटतनया, उत्तरा गांधारी, धृतराष्ट्र और युयुत्सुः कृपः, तदनन्तरं नकुलः, सहदेवो अर्थात् यमौ, नकुलः अर्थात् नकुलसहदेवौ, एते सर्वेपि अस्य शाङ्गधन्वनः गमनं न सेहिरे, तेन कारणेन ते विमोहिताः, ते सर्वे मूर्छिताः। भगवान कृष्ण ने जैसे ही रथ पर आरोहण किया, आरोहण करते ही सुभद्रा जी, द्रौपदी जी, कुंती जी, उत्तरा जी, गांधारी जी, धृतराष्ट्र जी, युयुत्सु कृपाचार्य जी और नकुल और सहदेव, ये लोग इनके वियोग को खाली सुन करके भी नहीं सहन कर पाए। कैसी अनन्य परम पराभक्ति थी, कैसी अनन्य परमात्मा के प्रति प्रीति थी, और इसलिए वो विमोहित हो गए। वैसे तो नौवा और दसवां श्लोक दोनों का अनुसंधान लेना है, इसलिए आगे न केवल इतने ही नकुल और सहदेव तक के ही नहीं, लेकिन और भी हुए थे। वो कौन कौन हुए थे आगे के श्लोक में देखेंगे। हरिशरणम 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 मम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम।